खबर रीवा से है, जहां नगर गौरव दिवस को गरिमा में ढंग से भव्यता के साथ मनाया गया। स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन एवं नगर निगम रीवा के संयोजकत्व में आयोजित भव्य आयोजन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि गौरव दिवस का आयोजन आने वाली पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों एवं विकास के आयामों को परिचित कराने का माध्यम बनेगा। हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को जानने के साथ ही महापुरुषों के योगदान को भी स्मरण रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति, खान पान एवं बोली को नहीं भूलना चाहिए, यही हमारी पहचान है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 25 सितंबर रीवा गौरव दिवस का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिवस पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती है, जिन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का संकल्प लिया था। बाढ़ सागर के पानी से रीवा की तकदीर एवं तस्वीर बदली है। हम सभी का प्रयास है कि जिले के प्रत्येक किसान के खेत तक बाढ़ सागर का पानी पहुंचाया जाए और रीवा को विकास के नवीन पंख लगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा गौरव दिवस का प्रथम आयोजन काफी सफलतम रहा है। समाज के हर गर्व और हर समुदाय को विभिन्न विधायों के माध्यम से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किए गए। एक सप्ताह तक आयोजित कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बाढ़ सागर बांध का लोकार्पण किया था। तेरी शरम, तेरी कसम मेरे हो से नहीं है बजट, और वह स्कीम 84-83 आते आते पूरी तरह से बंद हो गई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे कार्यालय बने हुए हैं नहर के लिए। पहले से कहते हैं कि मंगर लेकर पहले खड़े हो गए, तालाब का रहता पता नहीं। मनगवा में ऑफिस, हटवा में, बैकुलपुर में ऑफिस, 20-20 कर्मचारी नहर की तैयारी के लिए बैठे, पानी का रहता पता नहीं। हम लोग जब 2003 में, मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि 25 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे इस पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती 25 सितंबर को है, 25 सितंबर है। और जब उनके विचारों की सरकार बनी 2003 में, उनके उस सपने को साकार करने के लिए जो उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर कहा कि ऐसा समाज में होना चाहिए कि अंत्योदय तक पहुंचे सारी विकास की गाथा, उनका भी दिवस है। दूसरा यह भी है कि जब सरकार 2003 में बनी तो हम सब लोगों ने, राजेंद्र जी ने, हम सब ने, जितने हम विधायक उस समय 5 विधायक थे, हम पांचों ने मिलकर के मुख्यमंत्री से बात की, हमको रीवा में पहला काम बाढ़ सागर चाहिए। तत्काल देवलाल में मीटिंग बुलाई गई, हम सब थे वहां पर, शाडोल वाले विधायक, सीधी वाले विधायक, हम जितने जीत के गए थे हम सब थे वहां। तय यह हुआ कि इसको बजट अभी चाहिए, तो शायद उसी बजट में हम लोगों ने 8,000-7,000 करोड़ का बजट उसको अलॉट किया। के दिन बाढ़ सागर का बांध 30 साल से ज़्यादा इंतजार करने के बाद बना, और जब से बाढ़ सागर का पानी रीवा जिले के किसानों के खेतों में आया, उसके बाद से रीवा जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम शुरू हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री जी के पहल पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नगर गौरव दिवस मनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि रीवा नगर, नगर और ज़िले का ही मानिए, गौरव दिवस 25 सितंबर को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ सागर जैसी जीवनदायिनी परियोजना का लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों हुआ, और उसके बाद लगातार रीवा तरक्की की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसी तारतम्य में पिछले एक हफ्ते से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज अंतिम कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें प्रसिद्ध सूफी गायक भारती बंधु आए हैं, कथक की बहुत बड़ी कलाकार आई हैं, और ये कार्यक्रम आज हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गौरव दिवस मनाने के लिए, उसके लिए अलग से जो कार्यक्रम आएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये नगर गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है किसानों के, उसके कारण रीवा का व्यापार बढ़ा और रीवा की रौनक बढ़ी है, तो इसलिए
बिना ग्रामीण क्षेत्र के योगदान के ये रीवा की ये रौनक नहीं बढ़ सकती। बिंद महोत्सव के तर्क पर भी गौरव दिवस मनाया जाएगा। आने वाले वर्षों में अब इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जाएगा और जिस तरह से बिंद महोत्सव होता था उस प्रकार से भव्य बड़े गैदरिंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।